यहाँ पर पूजन के बाद कुछ बातें करने की होती थी, उसके साथ साथ आज कुछ विशेष रूप से परिवर्तन उसमें हुआ। मुख्यमंत्री महोदय, अभी वो अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं मानते, लेकिन जो कार्यकाल में काम किए उसको तो भूल नहीं सकते। तो वह कार्यकाल आपका था, यानी दूसरे का था, जनता का था, इतना तो आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। नए सिरे से हम कुछ भी नहीं कहना चाहते। आपने ये कामना की महाराज जी को लंबा जीवन मिले। देखो, कोई अमर बन करके तो आता नहीं, और दूसरी बात यह है, जो लंबी चौड़ी की बात करने की अपेक्षा हम जहाँ जहाँ तक प्राणी जगत है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे मैं समझता हूँ ज़्यादा लंबा जीवन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। है, सुनो, आप लोग आप कह तो रहे हैं, मांग रहे हैं, और आपकी मांग पूर्ण हम करना चाहिए, तो ये ध्यान रखो आप ही कर सकते हैं उसको। इसलिए हमारी लंबी यात्रा की अपेक्षा से आप लोग कम समय में, जैसे विद्यार्थी बहुत कुशाग्र बुद्धि वाला भी है तो वह उसको 3 घंटे का ही अवसर प्राप्त होता है। सुन रहे हैं आप लोग, दोनों कानों से एक कान से सुनो। प्रत्येक विद्यार्थी वह चाहता है मुझे 1 वर्ष मिल जाए, काहे के लिए, अध्ययन तो 1 वर्ष के लिए, परीक्षा के लिए तो 3 ही घंटे, और 3 घंटे में ही आप स्वर्ण पदक जीतने की योग्यता को भी हासिल कर सकते। अपने पास बहुत दूर से लोग आ जाते हैं और आशीर्वाद की मांग करते हैं, बच्चे युवा युवतियाँ आदि आ जाते हैं, तो ऐसे ही एक कवि आपके सामने सी पर चढ़ा करके अपने आप को बहुत ही सुकून शांति का, अथवा यूँ कहना चाहिए कि कार्य करने की क्षमता हमारे पास होती तो है लेकिन हम बंधते नहीं हैं, तो बंधना ना नहीं बनते तो फिर गड़बड़ होता है। यदि लंबी चौड़ी बहुत जीवन मिल जाए तो भी जीवन जीने के लिए है ना, तो हम 3 घंटे में यदि स्वर्ण पदक, रजत पदक और सभी पदकों को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बुद्धि में वह नहीं आ पा रहा, इसलिए ऐसा हो रहा है। हम दूसरे से ज़्यादा करें इस अपेक्षा, ज़्यादा तो वो 33 नंबर में रह जाएगा तो क्या करोगे आप, 34 में रोकोगे? आज 34 का कोई महत्व नहीं, 35 का कोई महत्व नहीं, टॉप 10 की बात आ गई है, अब क्या करेंगे बताओ? फिर 90 का क्या होगा? नहीं, टॉप 10 वाले के पास जो क्षमता है उससे भी बढ़कर की क्षमता नीचे वालों के पास है, वहाँ क्योंकि टॉप 10 के पास एक ही अंक है और नीचे वालों के पास कम से कम अखंड संख्या वाला 9 है, 9 9। हाँ, इसलिए
हम प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता विकसित हो, इसके लिए हम अपने आप को भी विकसित करने का प्रयास करें। हम करते चले जाएं, करते चले जाएं, दुनिया आपकी ओर अवश्य देखेगी। हम जुड़ने का काम करें, कौन से प्रतिभा से प्रतिभा जुड़ती चली जाए, भीतरी बात अपने आप ही हमारे पास आ जाएगी। वहाँ की और यहाँ के भी पहुँचाने की कोई आवश्यकता नहीं, लंबी चौड़ी जीवन की यात्रा नहीं, किंतु कम समय में हमें 100 को छूना है, 100 को छूना है। हम 101 की बात नहीं करते और 99 की भी बात अधूरी मानते हैं। हमारे पास 100 को छूने की क्षमता है क्या? नहीं तो है, इसलिए तो 100 नंबर रखा, 100 नंबर रखा। फिर इसके उपरांत यदि और चाहते हैं, जो निरीक्षण करने वाला, परीक्षण करने वाला होता, वह कहता है मैं अपने तरफ से एक और जोड़ देता हूँ, मैं अपने से कमी भले कर लूँ, क्योंकि इतनी ही उम्र में मैंने भी ये परीक्षा दी थी, लेकिन इस प्रतिभा ने ऐसी प्रतीक्षा दी है जो कि एक प्रकार से आंखें खोलने वाली हैं। तो हमें अपनी आंखों को खोलने की आवश्यकता है। दूसरे सो रहे हो क्या? ऐसे कहने की अपेक्षा से आप कम से कम खास तो लो, सोते हुए बोली खास लो, चोर नहीं आएगा भीतर। भारतवासियों, आप न खास रहे हैं न हास रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? तो रोते, आपकी रुदन में भी क्षमता है, आपकी खांसी में भी क्षमता है और आपके हंसी में भी क्षमता है, किंतु आप तीनों ही काम कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ तक ही सीमित है। एक छोटी सी बात कह देता हूँ, क्योंकि मैं छोटी में ही छोटी की बात समझने की बात करना चाहता हूँ। वह क्या है? वह यह है, माँ काम कर रही है, बच्चे उद्यम कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे, अब काम में व्यवधान हो रहा है। तो वो उठ गई और 2-3 बच्चे को पकड़ करके, 2 तो भाग गए और 1 पकड़ में आ गया, उसको भी एक तमाचा मिल गए और रोने लगा। अब इसके उपरांत सोचिए, प्रतिभा प्रत्येक के पास है, जीवन प्रत्येक के पास है और समझ भी प्रत्येक के पास है। वृद्ध के पास ये, माँ के पास ये, बेटे के पास नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो हमने जो उद्यम करने वाले तो भग गए और छोटा तो पकड़ में आ गया, आवेश तो था ही, हमने ये नहीं समझा ये छोटा भगने योग्य नहीं था, इसको नहीं मानना चाहिए, तो इसको भी बांट दिया। तो अपनी गलती को महसूस करती है और माँ की आंखों में पानी आ जाता, वह बच्चा रोना बंद कर देता है और गंभीरता के साथ देख रहा, आज माँ रो रही है। समझ रहे हो आप? समझते हैं, वह बच्चा रोना बंद कर देता और गंभीर होता है। माँ देखती है ये रोना बंद क्यों कर दिया, अरे मैं तो उसके सामने रो रही, तो वह उसको सहन नहीं होगा। भारतवासियों, भारत माता भी ऐसी ही रोती है, आपको थोड़ा सा अब अपना रोना बंद कर देना चाहिए। माँ रोती कब है? बच्चे जब मानते नहीं है उस समय पीटती है, तो वो पीटने से क्या होने वाला है? ऐसे कार्य करो जिसके द्वारा सामने वाला व्यक्ति भी आपके भीतर तक पहुंच जाए। आप कुछ बताओ नहीं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रत्येक के पास प्रतिभा विद्यमान। भारत है
प्रतिभारत भवतु, गुरु जी की कामना है भारत प्रतिभारत हो। प्रतिभा रत का अर्थ होता है बुद्धि में लीन हो जाए, कर्तव्य क्या है ये समझे, बोध प्राप्त करने के उपरांत हमें और कुछ यात्रा करनी होती है, क्योंकि दिशा बोध के बाद ही हमारी मंजिल तक ये कदम पहुंच सकते हैं। यदि चलना बंद करके केवल बोध प्राप्त कर लिए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय के आप उपाधियाँ भी प्राप्त कर लोगे, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि जीवन की यात्रा चलाने के लिए कुछ कर्तव्य ही आवश्यक है। ज़्यादा गरीबी गरीबी या गरीबी कुछ है नहीं, रोना जो आता है वो एक केवल चार अंगुल पेट के कारण हो आता है, वह अच्छे ढंग से वो भर जाए और कुछ ये भी विश्वास हो जाए कि कल के लिए भी हमारा प्रबंध है। लेकिन बरसों का यदि प्रबंध हो जाता है तो चूहे वगैरह उसको खा पी करके चट कर जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? इसलिए उतना ही उत्पादन करो जितना आवश्यक है, और आवश्यक है तो जिसका पेट खाली है उसको ढूंढना प्रारंभ कर दो। और अभी तक आप खूब, आप लोगों के पास जाने के लिए विमान ये बड़े बड़े वाहन इत्यादि का प्रयोग करते थे, अब हमारे जैसे ये पदयात्री बन करके आए, हमें अच्छा लगा कि ललाट पर तिलक भी लगा हुआ है और वो कुछ बातें भीतर की भी करने लगे हैं। पहले भी देश के भीतर की बात करते थे, लेकिन अब कुछ ध्वनि में प्रतिध्वनियाँ कुछ अलग ही आ रही है, निकल रही है। जब तक पैरों को पैरों में चलते चलते छाले न आए, नहीं समझे, तो फिर ये उछाल अपने आप ही बंद होता, उसमें कुछ है ही नहीं। हम जहाँ रह रहे हैं वहीं पर रह करके जो रो रहा है उसके रो के रोने को सुन ले, और उसकी तरंग भी आती है टकराती है, होश हो तो हम समझ सकते हैं। इसलिए भारत बहुत विस्तार विस्तृत है, आप यहाँ पर बैठे भी सोच सकते हैं। कोशिश करो, प्रयास करो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लंबी की बात आप कर रहे हैं। भरोसा नहीं है, ऐसे जीवन में ही हमें कुछ करना है, और करना अपने लिए नहीं करना, सबके लिए करना, उसमें मैं भी आ ही जाता हूँ। हाँ, तो बूंद की कदर करना चाहिए, क्योंकि सागर का अस्तित्व बिना बूंद के नहीं होती। तो दुनिया दुनिया है, हम अपने अस्तित्व के साथ साथ और भी कोई बूंदे हैं, और यदि वो बूंदे मिल जाए तो फिर सागर कभी भी सूखता नहीं, और बूंद बहुत जल्दी सूख जाता है। कुछ ऐसे कार्य हम करें, बूंद बूंद को मिला दें, ताकि सरिता बन करके सागर तक दौड़ती चली जाए। सबके पास प्रतिभाएं, सबके पास पुरुषार्थ, सब कुछ विद्यमान है, उसको उद्घाटित करने के लिए वर्तमान में युवा शक्ति में कुछ ऐसी अवधारणा आ गई है। वो अवधारणा कहाँ से आई है? आप ही लोगों के कृपा से आ गई होंगी, लेकिन उससे उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है, क्षुधा शांत नहीं हो रही है। कुछ करने के हैं, लेकिन वो उन्हें बोध प्राप्त नहीं हुआ है। करने योग्य क्या है ये कुछ संकेत हम दे दें, तो वह गोद का लड़का भी, रोता हुआ भी माँ की रुदन की पहचान कर सकता है। उनसे इस प्रकार यदि चाहते हो तो आप उन्हें पुचकार करके सही दिशा में उन्हें लगाने का प्रयास करो, आपका अवश्य ही जीवन छोटा भले ही हो।
किंतु वह बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप चले जाएं भले ही, लेकिन जा नहीं सकते जनता की पकड़ से, क्योंकि जनता से आपका यदि परिचय हो गया तो आप कहीं भी रहो, दिशा में किसी भी दिशा में रहो, जगत कहीं भी रहे जगत में, किंतु उस व्यक्ति की पकड़ चूंकि उस जनता के साथ है, तो वह अतीत में भी हो, भविष्य में भी हो, तीन काल में कहीं भी हो और तीन लोक में कहीं भी हो, वो याद रखेगा, क्योंकि उसको आपने इस ढंग से जगाया, अब सोने के नाम ही नहीं है। अहिंसा परमो धर्मो की। आचार्य गुरुवर से विद्या बेटे खड़े खड़े नहीं होंगे बैठे।